को ट्रेन चलाना पड़ेगा, जल्दी जाना है हमें। 11 बज गए हैं करीब, यहाँ से 40 किलोमीटर है। हाँ, फिरोजाबाद 40 किलोमीटर दूर है, और 40 किलोमीटर दूर हो सकता है कि एक घंटा भी नहीं लगे हमें, 40 मिनट तक घंटे में पहुँच जाए। पीछे देखो कुछ आता ना, पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। जाओ लेकर आओ। और दोस्तों आप बताओ, आपने कभी नाइट में सफ़र किया है बाइक के साथ? कभी नहीं तो ऐसे 11-12 बजे आज, लेकिन हो सकता है कि हमें 12 बज जाए, 12-12:30 ही कर सकते हैं, क्योंकि बाइक को हम आराम से ले आ रहे हैं। नाइट का समय भाई, इंडिकेटर दे रहा है बलेनो वाला। भाई क्या हमें थोड़ा ही नहीं है कोई, इंडिकेटर बंद कर ले भाई, इंडिकेटर। दोस्त यार, रात में सफ़र करने का मजा तो होता है, लेकिन कोई साथ हो तो अच्छा लगता है। लेकिन मोटो ब्लॉग में क्या होता है, कोई साथ हो या ना हो, हम जैसे कैमरे सामने बात करते रहते हैं, तो क्या होता है कि हमें नींद भी नहीं आती है, और बातें भी करते रहते हैं, और सफ़र का मज़ा भी लेते रहते हैं, और सफ़र का पूरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। हेलो दोस्तों, अभी हमें आगरा में, तो अब हम जा रहे हैं फिरोजाबाद के लिए अपने घर पर। करीब 11 बज गए हैं, टाइम देख सकते हो 11 बज गए हैं, और अभी फिलहाल हम आगरा में ही हैं, और हम जा रहे हैं अपने घर पर फिरोजाबाद। तो एक्चुअली यहाँ पर हम आए थे कुछ काम के लिए, तो रात हो गई है, 11 बज गए हैं, तो हम घर पर जा रहे हैं। दोस्तों देख रहे हो कि टाइम ओवर हो चुका है, 11 बज गए हैं, और अभी हम घर पर जा रहे हैं, फिरोजाबाद से जा रहे हैं। अभी आगरा में ही थे, अभी थकान हो चुकी है, क्योंकि हम बहुत देर पहले आए हुए थे यहाँ पर, और अब घर पर जा रहे हैं। काफ़ी ठंडी की हवा आ रही है, लेकिन यहाँ पर 11 बज चुके हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। दोबारा आगे आगे मिल जाएंगे ना, आगे से ले जाएंगे, पानी वानी भी लेना है, प्यास भी लग रही है, और धूप भी। दोस्तों देख रहे हो कितनी रात हो गई है, रात काफ़ी हो गई है, यहाँ पर लाइट भी नहीं लगी है। अभी हाईवे पे थे तो काफ़ी लाइट लगी थी, लेकिन लाइट भी लगी, लेकिन बस अच्छा लग रहा है नींद, और बहुत तेज आ रही है, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, तो नींद भी आ रही है, लेकिन नींद कंट्रोल पता कैसे हो रही है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो नींद का आता है ऐसा, बात करते रहते तो नींद कम आ रही है, वही वही है, बात कर रहा हूँ ना, इस वजह से थोड़ी नींद नहीं आ रही, लेकिन आँखों में नींद तो बात नहीं आ रही। ओहो यार, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, देर में आधार पर पहुंच जाएंगे। एजमानपुर पहुंचने के बाद फिर पहले तो कुबेरपुर पहुंचेंगे, कुबेरपुर पहुंचने के पहले फिर एजमानपुर, फिर टूडला, फिर जाकर कहीं पहुंचेंगे फिरोजाबाद। लेकिन अगर हमारे पास बाइक नहीं होती तो अगर हम किराए से आते तो काफ़ी समय लग जाता, क्योंकि नाइट में ही होता ना, क्योंकि हमें कोई वाहन मिलते नहीं है, इस वजह से हम गाड़ी को लेकर आए थे। अभी जस्ट पीछे रुके थे, वहाँ पर मैं पानी पिया था, मुझे प्यास लग रही थी काफ़ी तेज। ये नोएडा एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे, यहाँ से बस मिलती है नोएडा एक्सप्रेस वे के लिए, लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए, लेकिन अपन को क्या, हमें तो सीधा जाना है। 40 किलोमीटर की तो बात है, पहुँच जाएँ यार, कोई लंबा चीज होता तो कुछ अलग बात होती, लेकिन 40 किलोमीटर दूर है, अभी पहुँचते हैं हम। ये वो 30 मीटर तक निकाल, निकल जाएगी, चल गई। फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, लखनऊ, सीधा जाना है भाई, सीधा। बस वाला किधर जा रहा है,
इंडिकेटर देखकर। फाइनली हनुमानपुर तो शायद हम आ गए, पहुँचने वाले हैं हनुमानपुर, क्योंकि जैसे ये पार होता है ना। नहीं, हनुमानपुर अभी नहीं पहुँचे, अभी तो कुबेरपुर आएगा शायद। हाँ हो सकता है, हमने शायद कुबेरपुर है। चलो चलते हैं, बुलेट वाले भैया जा रहे हैं। चलो बुलेट वाले भैया, आप ये देख रहे हो अभी तो इस रोड पर अंधेरा है, लेकिन अभी देखो हाईवे आ रहा है, वहाँ पर लाइट लगी है, अभी लाइट लगी हुई है यहाँ पर, तो अभी हाईवे चढ़ रहे हैं तो थोड़ी लाइट आपको ज़्यादा लगेगी रोड पर। ये हाईवे आ गया और यहाँ लाइट लगी है, अब अच्छा लगेगा आपको शरीर पर देखना। नज़ारे है भाई, ये नज़ारे रात के, और ये भाई पैदल क्यों जा रहे हैं? हेलो, तीर्थ यात्रा है भाई। भाई जा रहे हैं ये रात के हाईवे पे। काफी अच्छा लग रहा है, अभी सुंदर लग रहा है बाइक को चलाते चलाते। हाईवे पर वो हाईवे पर नहीं, सॉरी, ये जो पुल होते हैं ना, लाइट नहीं होती है, इसका काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी ये रोड आ जाएगा, मतलब अच्छी हाईवे पर उतरेंगे तो फिर लाइट हट जाएंगी, या क्या लाइट यहाँ पर ही लगी रहती है हाईवे पर ही, और नीचे जाएंगे पुल के तो लाइट नहीं मिलेगी। देखना अभी अब पुल पे तो उतरे हम और लाइट, मतलब टाटा बाय, गुड बाय, गुड 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 बाय। अब अंधेरा फिर से, अगर मैं फ्लैश भी चला लूँ कैमरे का तो भी फ्लैश काफ़ी नहीं होगा, पर कोई नहीं, इतना तो साफ दिख ही रहा है, लेकिन आँखों में सच में यार नींद भर आई है काफ़ी। गाड़ी पेट्रोल तो गाड़ी में है, पेट्रोल डालने की ज़रूरत नहीं है, चलते रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, ठंडी हो गई है मुझे, कितनी हवा चल रही है ना ठंडी ठंडी, तो सीधा नाक में असर कर रही है, नाक में घुल जाती है। मैं हेलमेट का शीशा तो लगाया हूँ नहीं, कोई नहीं, धूल भी लग रही है और नींद भी आ रही है, क्या करूँ। वो ठंडी ठंडी हवा, मतलब कहीं कहीं क्या है कि ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा 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 आ रही है और कहीं कहीं गर्म लपटती लग रही है। लेकिन इधर ऐसे पकड़ में ना देख रहे हैं, पेड़ पेड़ लगे हुए हैं और शायद पेट भी है उसके आगे, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हवा नहीं हो रहा है, नींद आ रही काफ़ी से भाई, इतना आ रहा है, इतना आ रहा है। हेलो 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 हेलो, देख कर देख कर काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर, बहुत सारा अंधेरा है यार। ये काफ़ी लाइट तो लगा देते यार यहाँ पर भी, आने जाने प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी की बात जैसे किसी गाड़ी में अगर लाइट नहीं है, हेडलाइट नहीं है, तो बेचारा वो क्या करेगा फिर, तो एक आधो लाइट लगा देनी चाहिए यहाँ पर भी। और ये देख रहे हो क्या शानदार है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइट नहीं है, वाहन काफ़ी चल रहे हैं, जो छोटे मोटे वाहन भी ज़्यादा भी चल रहे हैं, क्योंकि रात में बाहरी वाहन ही ज़्यादा चल रहे हैं, ऑटो भी एक आधी दो ऑटो चल रहे हैं, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, इस वजह से रात में कौन घूमेगा। बाहरी देख कर चला यार, नीचे से अचानक से आ गए यार, रात में तो ऐसा हो कि 200-300 किलोमीटर दूर का सफ़र हो, कब मजे आए। अब हम कुछ ही देर में टूटला पहुँच जाएंगे, और टूटला अगर पहुँच गए फिर तो आपको पता ही है फिर उसके बाद वहाँ से कितना दूर है, बस टूटला पहुँच जाए। और स्कूल को पार करने के बाद टूटला, ये समझ लो, तो अभी स्कूल को भी पार करते हैं और पहुँचते हैं अभी टूटला। चूल्हा भी पार कर दिया हमने, अब चूल्हा पार हो गया तो समझ लो हम घर पर आ गए। ये हो गया चूल्हा पार भाई,
ठीक है दोस्तों, तो फिर हम पहुंच गए अपने मंजिल पर जहां हमको जाना था। गुड बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। काफ़ी अच्छा रहा ये सफ़र, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, गाड़ी को बहुत अच्छे से लेकर आए, धीमे धीमे बिल्कुल भी ज़्यादा तेज नहीं जाए।